यूपी के जनपद संभल में प्रधानों की शपथ ग्रहण के बाद मिर्जापुर में हुई आज पहली बैठक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की, जहां जनपद संभल में प्रधानों की शपथ ग्रहण के बाद गांव मिर्जापुर में आज पहली बैठक की गई, जिसमें कुल 15 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, उसमें से केवल 9 सदस्य ही मौके पर आ पाए। वहीं गांव के युवा प्रधान इस्तगार आलम ने सभी के साथ बैठक करके गाँव की कार्यशैली पर समिति बनाई, जिससे गाँव का विकास सही हो पाए। वहीं BDO साहब की गैर मौजूदगी में गाँव के रोजगार सेवक ने अपना काम जिम्मेदारी के साथ किया। इसमें एक बड़ी खबर ये भी देखने को मिली, जहां एक महिला हसीन जहां जो कि गांव की मिर्जापुर में आशा है, गांव की सदस्य भी है। अब देखना यह है कि गांव में आशा के पद पर कार्यरत हसीन जहां गांव की सदस्य कैसे बन गई। वहीं देखना ये बाकी है कि इस महिला पर कार्रवाई होती या अधिकारी ऐसे ही मुंह दबाए बैठे रहेंगे। हमारे विशेष संवाददाता इलियास की खास रिपोर्ट, हर खबर सबसे पहले। सर, क्या नाम है आपका? इस्तगार आलम। आप कहाँ से प्रधान हैं? ग्राम पंचायत मिर्जापुर नसरुल्ला। आज जो मीटिंग हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मीटिंग में हमारे 9 मेंबर मौजूद रहे। हमारी जो है खुली बैठक हुई है, तो उसमें सब लोगों ने कमेटी गठित करी है और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गांव वाले भी काफ़ी लोग मौजूद रहे।